हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि विंडो 10 के बेस्ट फीचर्स के बारे में। तो जैसे फ्रेंड, हमने विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो एक्सपी मैंने चलाया था, हम लोगों ने चलाया था, लेकिन उन लोगों में कुछ ज़्यादा खास नहीं था। लेकिन विंडो 10 आज माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लाई है जो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफ़ी फास्ट काम करती है। जैसे कि जो लोग विंडो 10 यूज कर रहे हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि विंडो 10 कितनी फास्ट है, और जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं सलाह देना चाहता हूं कि वो विंडो 10 डाउनलोड कर लें और विंडो 10 का मज़ा लें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 में दी गई है। जैसे पहले क्या था, जैसे ये मीडिया मैंने ओपन किया, तो पहले क्या था कि पहले ये सब फीचर्स हाइडिंग में रहती थी, लेकिन इस बार विंडो 10 में क्या किया गया है, विंडो 10 में ये फीचर दिया गया है कि सामने में सब कुछ आपको दे दिया है, किसी को भी ढूंढने की ज़रूरत ना हो, ये कोई भी विंडो 10 चला सकता है। जैसे मुझे ये मुझे डिलीट करना है, तो मैंने ये सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दे दिया, रीनेम का भी ऑप्शन दे दिया, न्यू फोल्डर का भी ऑप्शन दे दिया, ओपन का भी ऑप्शन दे दिया, कॉपी मूव हर चीज़ का ऑप्शन हमारे सामने है। और विंडो 7 एक्सपी सब में क्या था कि ये हमें ये ऑप्शन राइट क्लिक में जाके ढूंढना पड़ता था, तो विंडो 10 ने अब ऐसा हटा दिया है। और तो मैं कट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने समझ चुके होंगे कि विंडो 10 कितना ही कितना महत्वपूर्ण है और कितना बेस्ट है चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि विंडो 10 के बेस्ट फीचर्स कौन से हैं, तो आप देखते रहें लास्ट तक वीडियो को। जैसे नीला है, ये हो गए कलर चेंज, तो मैं इसे नीला में ही रखता हूँ। अगर आप ऑटोमेटिक करते हो तो ऑटोमेटिक ये चेंज होता रहेगा। ये लाइट में थोड़ा लाइट हो जाएगी आपका, फिर आप इसे डार्क कर सकते हो, जैसे मैंने रखा है डार्क में। फिर ये जैसे ऊपर में कुछ नहीं है, आप देख सकते हो मेरे माउस से, मैं ये क्लिक करता हूँ, नीचे आ गई नीचे वाला, और ये है ऊपर। तो मैं बैक करता हूँ, बैक नहीं, लॉक स्क्रीन में आप कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है थीम। तो फ्रेंड्स, आजकल विंडो 10 में बहुत सारे थीम्स आ चुके हैं, अगर आप चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं थीम्स के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। जैसे ये सब सेटिंग्स आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आज बता देता हूं। जैसे मेरा ये है पूरा बैकग्राउंड, देखिए फ्रेंड्स ये छोटा हो गया, फिर मैं इसे कर दूँ बड़ा, ये बड़ी हो जाएगी। फिर ये जो हमारे साइड में जो ऐप थी वो सारी हाइड हो चुकी है, तो हमें लाने के लिए यहाँ जाना होगा, फिर आएगा। तो मैं हटा देता हूँ इसे भी ऑन कीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है, तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, ऑफ। फिर यहाँ दिया है फुल स्टार्ट फुल स्क्रीन, तो अगर हम ये करते हैं तो ये हमारा फुल स्क्रीन में आ जाएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो फुल स्क्रीन में। और साइड में ऐप लाने के लिए ये दिया गया है ऑल ऐप, तो फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ बंद।
क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप गलत सेटिंग करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। फिर जाते हैं हम डिस्प्ले सेटिंग में, आप इसे छोटा भी आप कर सकते हो डिस्प्ले को, जैसे यहाँ कुछ नहीं करना है। जैसे मैं 125 में लाता हूँ, ये हमारा छोटा हो गया, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। या तो आप इसे बड़ा कर सकते हो, जैसे मेरा 150 था तो मैं 150 रखता हूँ। फिर ये सब मैं आपको ये सब तो आपको पता ही होगा, नोटिफिकेशन एक्शन बार, आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हैं, आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं इसके ज़रिए। यहाँ पे सेटिंग मिलेगा, इसके अंदर जाना है और ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे आता है नोटिफिकेशन बार, ये सब अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं हर ऐप का नोटिफिकेशन, तो आप यहाँ सबका ऑन है। अगर मैं ऑफ़ करता हूँ तो कोई भी मेरा मैसेज नहीं आएगा यहाँ पे, कोई भी सेटिंग्स वगैरह, कोई भी ईमेल वगैरह, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जैसे और यहाँ से आप ऑफ कर भी सकते हैं कौन सा ऐप आपको रखना है कौन सा ऐप नहीं। तो यह बैटरी लाइफ दिखाएगा, जैसे दिया गया है टर्न बैटरी सर्वर ऑटोमेटिक माई बैटरी, तो मैंने 30% में मैंने रखा है कि ये सेविंग हो जाए, तो आप जितना भी रख सकते हो। फिर यहाँ से आप स्टोरेज आप देख सकते हो। फिर ये सब बाकी आप लोगों की काम नहीं है, नहीं काम की चीज़ है ये। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने पूरा सेटिंग्स मैंने बता दिया है, जो जो आप लोगों की काम की चीज़ है। और अदर में कोई भी सेटिंग में छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ये विंडो 10 काफ़ी बढ़िया चल रहा है, इसे आप चलने दें, नहीं तो प्रॉब्लम फिर बाद में करेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।